मुस्लिम देश करो एक और हिंदू मंदिर का स्वागत। हाल ही में अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस मंदिर की चमक का क्या कहना, लुक है इतने आकर्षक। भव्य रोशनी से बना अबू धाबी का ये मंदिर बहुत ही विशाल है। इस मंदिर में सनातनी धर्म को दर्शाया गया है। BPS के द्वारा बनाई गई ये मंदिर का 14 फरवरी को मोदी ने बेहद ही शानदार तरीके से उद्घाटन किया। UAE के मुस्लिम देश अबू धाबी में ये पहला मंदिर बना है। लेकिन क्या आपको पता है, अबू धाबी के बाद एक और मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जल्दी एक और मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर आपको देखने मिलेगा। पहले से बने हिंदू मंदिर को देखने के बाद वहां के राजा ने एक और हिंदू मंदिर बनवाने का फैसला किया। जिस देश में मंदिर बनने जा रहा है वो है बहरीन, लेकिन कुछ कट्टरपंथी से नहीं हो रहा बर्दाश्त। ये मंदिर भी अबू धाबी के मंदिर जैसा विशाल होगा। गौर करने वाली बात है, इस मंदिर को भी BPS संस्था के द्वारा बनाई जा रही है। BPS के प्रतिनिधित्व मंडल ने बहरीन के शासक से मंदिर बनवाने को लेकर खास मुलाकात भी की। मंदिर बनाने के लिए वहां की सरकार से अनुमति मिल गई है। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। अब जल्द ही मंदिर बनना भी शुरू हो जाएगा। मंदिर बनाने के लिए बहरीन के राजा क्राउन प्रिंस सलमान बिन अहमद अल खलीफा ने 1 फरवरी को जमीन आवंटन का भी ऐलान कर दिया था। इसके बाद स्वामी अक्षरादित्य दास, डॉक्टर प्रफुल्ल वैद, रमेश पाटीदार और महेश देवजी के प्रतिनिधित्व मंडल मंदिर बनाने को लेकर खास बातचीत की। बहरीन में बनने वाली ये मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में सभी लोग आ सकते हैं। इसका मतलब मंदिर हर धर्म के लोग का स्वागत करती है। अलग अलग सांस्कृतिक कल्चर को दर्शाती है ये मंदिर। BPS के गुरु महंत स्वामी महाराज ने मंदिर की जमीन को लेकर वहाँ के राजा और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, आज इन दोनों देशों के बीच का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और वो हो भी क्यों ना, आज भारत और अबू धाबी के आपस का जो रिश्ता है वो वाकई कोई बड़ी बात से कम नहीं। मोदी आए दिन इस देश का दौरा करते रहते, उन्हें जब वक्त मिलता वो अबू धाबी के यात्रा पर निकल पड़ते। अबू धाबी में पहले से बने हिंदू मंदिर ने लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों को खुश किया। इसके बाद एक और हिंदू मंदिर निर्माण की बात सुनकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। आज पड़ोसी देश में सनातन धर्म का पहचान हो रहा, ये किसी तोहफे से कम नहीं। तो दोस्तों, अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर दर्शन करने आप कब जा रहे, कमेंट सेक्शन में बताएं।